एक ट्रेन है जिसका की नाम है शमलेश्वरी एक्सप्रेस, जो चलती है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हावड़ा तक। अब हमें इस ट्रेन के पूरे रूट के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ आज हम ट्रैवल करेंगे जयपुर से लेकर रायगढ़ तक। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन है इंडियन रेलवेज का। सो इस रेलगाड़ी में सवार होकर हम लोग आज निकल पड़ेंगे ईस्टर्न घाट्स के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाने। तो पॉपकॉर्न लेकर इस सफ़र के नज़ारों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और बेहद खूबसूरत है, और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी हम हैं जयपुर में, जो कि उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन है, और यहाँ से शुरू होगी हमारी एक और जर्नी फ्रॉम जयपुर टू रायगढ़ इन जगदलपुर हावड़ा समलेश्वरी एक्सप्रेस। तो अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं। स्टेशन बिल्डिंग देख रहे हो, बस ये छोटी सी स्टेशन बिल्डिंग है, और जो स्टेशन है वो भी सिटी के बहुत आउटस्कर्ट्स में। तो ये जयपुर स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज से व्यू, और सामने आप देख सकते हो कि पूरा जो मालीगुड़ा रेंज है ना, ईस्टर्न घाट्स की मालीगुड़ा रेंज पूरी विजिबल है, और पूरे जयपुर के अराउंड ऐसे मालीगुड़ा रेंज दिखती है। तो अभी तो सनराइज़ उस साइड से होगा, देख के समझ में आ रहा होगा। और ट्रेन भी अभी से कुछ देर में आने ही वाली है। ओके, आ भी गई, लाइट भी दिख रहा है ट्रेन का। अपनी समलेश्वरी एक्सप्रेस है जो कि आज हमें ले जाएगी जयपुर से रायगढ़। ट्रेन आती है, बात कर लेते हैं इस रूट के इम्पोर्टेंस की। तो रूट सबसे पहला जो रूट है वो है अराकू से लेकर किरांदुल, और कोरापुत से लेकर रायगढ़ एक ब्रांच लाइन है। तो हम यहाँ से जाएंगे कोरापुत, कोरापुत पे हमारा रिवर्सल होगा, और फिर वहाँ से रिवर्स होकर हम जाएंगे रायगढ़। और जो पूरा रूट जो जाता है ना, वो ईस्टर्न घाट्स के बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होकर जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे एंड देन पूरा कर्व लेके, ऐसे कर्व लेके हम फिर उन पहाड़ों से होते हुए ऐसे घूम के फिर वापस कोरापुत जाएंगे। बाय रोड अगर यहाँ से जाओ तो यहाँ से कोरापुत इस डायरेक्शन में जस्ट लाइक 22 किलोमीटर्स है, और बाय रेल जाओ तो इस डायरेक्शन में ऐसे पूरा घूम के हम पूरे ये माउंटेन रेंज बीच करते हैं, और अप्रॉक्स 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये रही अपनी समलेश्वरी एक्सप्रेस 18006, और प्रोबेबली इसमें संतरागाछी का एक वेब 7 लगा होगा जो इस ट्रेन को हॉल कर रहा होगा, और रिवर्स भी होगा कोरापुत पे जाके। संतरागाछी का 30549 वेब 7 लगा है, मस्त। अभी चलते हैं अपन भी नीचे। वैसे तो ट्रेन डिपार्चर में अभी वक्त है, ट्रेन थोड़ा भी फुल टाइम आई है, बट स्टिल हम जाके अपनी पोजीशंस लॉक कर लेते हैं और फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। का डिपार्चर है और 6:09 हो गया, तो ऑलमोस्ट एक मिनट में अपन निकलेंगे, और गार्ड सभी तैयार है सिग्नल देने के लिए। तो बस अब कुछ देर में डिपार्चर होगा। कि ट्रेन जो है पूरा एक कर्व लेती है मालीगुड़ा रेंज की तरफ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पूरा ट्रेन अभी कर्व कर रही है मालीगुड़ा रेंज की तरफ, और हम मालीगुड़ा रेंज को ऐसे बाईपास करते हुए घूम के कोरापुत पहुँचेंगे। अभी नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो एक पूरा सा खूबसूरत सा कर्व ले रही है ट्रेन, पीछे बैकग्राउंड में मतलब मालीगुड़ा दिख रहा है,
और नज़ारे तो भाई साहब मतलब क्या ही बोले, देखने में बहुत ही वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जितने भी वैगन इन देखोगे ना सब एकदम गंदे होते हैं, बिकॉज पूरा सेक्शन फ्रेट सेक्शन है। और हालत देखो उसकी, ग्रीन से ब्लैक हो चुका है एकदम। तो अभी हम लोग पहुँचे छात्रीपुत पे, और जयपुर से लेकर छात्रीपुत का लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन है वो अभी डबल लाइन है, इसके आगे का जो सेक्शन है वो सिंगल लाइन है। यहाँ पर प्रोबेबली हमारी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकेगी और फिर हम रवाना हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ट्रेन रुकी नहीं, धीरे धीरे चलते चलते ही प्रोसीड का सिग्नल मिल गया, तो फिर से हम स्पीड अप पकड़ रहे हैं छत्रीपुत से। अब अगला स्टेशन जो है वो है मालीगुड़ा, और मालीगुड़ा के बाद आता है हमारा फेमस मालीगुड़ा ब्रिज। आता है तो कैसा है भाई, सब बढ़िया, सब मज़े में? या तो अभी वेदर आज उतना क्लियर नहीं है या तो सनराइज़ हुई नहीं है, पर फिर भी मेरे हिसाब से जब तक हम मालीगुड़ा पहुँचेंगे तब तक सनराइज़ हो जाएगी। और नज़ारा देखो सुबह सुबह का भाई साहब, बेहद खूबसूरत है। वैसे इंडिया में ऐसा बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल यही पे है, लेकिन इसकी भी अपनी खूबसूरती है और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये। यहाँ पे रेगुलर विजिटर्स नहीं आते हैं लाइक जो इस रूट को कवर करें। कोच की हालत है ना वो वाकई में बहुत ख़राब है, और ट्रेन रात में जाती है जगदलपुर, तो मे भी जगदलपुर पे कुछ सफाई हुई ना हो इसकी, तो पूरा गंदा है। वॉशरूम बेहद हद गंदे हैं, वॉशरूम का पूछो मत। ये फैसिलिटी दी गई है वाटर बॉटल की फिल करने के, लेकिन ये काम नहीं कर रहा ऑब्वियसली। एंड मतलब ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नॉर्मल पैसेंजर के लिए तो गंदा होने वाला है। 2S कोच है, आगे स्लीपर है, स्लीपर में भी साफ़ सुथरा हो, बट मेरे हिसाब से सफाई उसमें भी करी नहीं होगी। प्राइस हो चुका है और अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मालीगुड़ा स्टेशन को। ठीक मेरे सामने वो देखो स्टेशन है पहाड़ों के बीच में, और ट्रेन एक बहुत ही शार्प कर्व ले रही है। ओए 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 ओए, क्या नज़ारा है। मालीगुड़ा पे एक साथ दो दो फ्रेट को ओवरटेक कर रहे हैं अपन। ये सारी की सारी जो भी फ्रेट है यहाँ से, ये आती है किरांदुल से आयरन और लेके, जो कि एक्सपोर्ट होता है जापान में। और ये जो पूरा रेल रूट है वो भी जापान ने ही बनाया है फॉर आयरन एक्सपोर्ट, आयरन और एक्सपोर्ट। अराउंड आई गेस मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट अराउंड 50-60 ईयर्स एगो पूरा ये रूट कंस्ट्रक्ट किया गया जापान के द्वारा, सो दैट कि आयरन और जो है किरांदुल से वो जापान में एक्सपोर्ट किया जाए। देख सकते हो सामने ही डैम है, बहुत ही सही रिजर्वायर है पूरा पहाड़ों के बीच में एकदम, ऐसा एकदम प्रोबेबली ऐसे वाले रिजर्वायर को बोलते हैं ग्रेविटी रिजर्वायर या फिर ग्रेविटी के द्वारा फॉर्म रिजर्वायर। और हम अभी देखो इधर बढ़ रहे हैं, एक सेकंड बस, मालीगुड़ा जो ब्रिज है वो भी आने वाला है यहाँ पे। ये इस पहाड़ के उस साइड जो है वो ब्रिज है, तो हम यहाँ पे टनल में एंटर करेंगे और उस साइड जब निकलेंगे हम तो हम होंगे मालीगुड़ा ब्रिज के ऊपर। और ये नज़ारा देखो भाई साहब, एक तरफ डैम दूसरी तरफ सनराइज। ओए होए होए, और ये गए हम टनल में। नज़ारे तो मतलब यार, अगर मैं ढंग से दिखाना चाहूँ तो कैमरा बंद ही ना कर पाऊँगा। ट्रेन देखो मेरी कहाँ है, हो रहा लोगों कहीं पे आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हो रहा।
और ट्रैक्स दिख रहे होंगे उधर कहीं, अभी नहीं दिखेगा। सो बेसिकली हम लोग उस साइड थे और पूरा एक यू टर्न लिया हमने और अभी हम आ गए इस साइड और थोड़ा ऊंचाई पे भी आ गए। वो रहे पोल्स उधर दिख रहे होंगे, वो बहुत रहे हैं, मतलब एंटर कर रहे हैं ज़राती। और दोनों लाइन पे, मेन लाइन पे और लूप लाइन पे फ्रेट है और हम तीसरी लूप लाइन से निकल रहे हैं ज़राती से। और ज़रा तो अभी हम ज़राती से निकले हैं और हमारी ट्रेन अभी पूरा एक यू टर्न लेके वापस ऊपर उस साइड जाएगी। वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आई गेस प्रोबेबली एक दो पोल्स दिख रहे हैं। सो ऊपर ट्रैक है और ये ट्रैक पूरा ऐसे घूम के अभी जाता है, तो आगे हम लोग जाएंगे, पूरा एक कर्व लेंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से फिर स्टेशन भी दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। पे नीचे थे और हम लोग नीचे से पूरा कर्व करके ऊपर आ चुके हैं जो ट्रैक मैं आपको दिखाया था। और ज़राती स्टेशन भी अभी कुछ देर में दिखेगा, वो देखो अपने वैग 9 रिफ्लेक्स खड़े वहाँ पे, इधर गए वो रहे, दिख रहे अपन वहाँ से ज़राती पूरा ऐसे एक कर्व लेके पूरा ऊपर आ गया। तो ये अकेला ऐसा स्टेशन नहीं है, और भी आगे स्टेशन आएंगे कोरापुर से लेके रायगढ़ वाले रूट में, देखना मज़ेदार होगा। अभी अपन जो घाट सेक्शन है मालीगुड़ा का उसके बाहर आ चुके हैं और आगे का जो सेक्शन है वो हिली कम प्लेन एरिया है कोरापुत तक का। और कोरापुत अब लगभग यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर और है। और यहाँ पे देख सकते हो कि साइड में डबलिंग का भी काम चल रहा है, तो जल्दी ये पूरा का पूरा रूट डबल हो जाएगा, डबल लाइन इलेक्ट्रिक। लूपिंग एन एक्सप्रेस ट्रेन फॉर अ फ्रेट क्रॉसिंग। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं कोरापुत और ये हमारे जो लेफ्ट में रूट जा रहा है ना, एक रूट एक तो हमारी ट्रेन कर रही है और एक रूट ये जा रहा है, ये वाला ये जा रहा है बाईपास करके टुवर्ड्स रायगढ़ा। और हम अभी जाएंगे कोरापुत, फिर वहाँ से हम रिवर्स करेंगे एंड देन वहाँ से फिर हम वापस जाएंगे रायगढ़ा की तरफ। और ये है राउरकेला जगदलपुर जो कि काफ़ी लेट चल रही है, अप्रॉक्स एक घंटा लेट चल रही है। इसके यहाँ से डिपार्चर का टाइम था 6:10 बट अभी तक यहाँ पे खड़ी है, प्रोबेबली अब यहाँ से डिपार्ट करेगी। और हम अभी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 कोरापुत जंक्शन के, और ये जो अपनी राउरकेला जगदलपुर है वो अभी डिपार्ट हुई है और ये अब जाएगी टुवर्ड्स जयपुर होते हुए जगदलपुर। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह के नाश्ते में मेरे हिसाब से बड़ा और इडली बड़ा देते हैं, तो अगर इधर मिल रहा है सेट प्लेटफॉर्म पे तो चेक करेंगे। और अभी चलेंगे अपन पीछे साइड, क्योंकि पीछे से नज़ारा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोको अभी वापस रिवर्स होके पीछे साइड से आगे साइड जाएगा और हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस डायरेक्शन में वापस। इडली बड़ा ना, कितने का? 1.30 रुपया भाई साहब। रेलवे का अलग ही है, नॉर्मल ट्रेन में दुरंतो के कोच लगाएगा, दुरंतो में नॉर्मल LHP के कोच लगाएगा। ऐसे अच्छी तो लग रही है, 3 दुरंतो के कोच हैं, 2 नॉर्मल हैं। अपन चलेंगे सबसे लास्ट में और अपना लोको देख सकते हो डिटैच हो चुका है और अब रिवर्स होगा और आगे जाएगा। अभी कोच में जाके सबसे पहले तो नाश्ता कर लेंगे थोड़ा। वैसे तो मैंने सुबह नाश्ता जयपुर पे ही कर लिया था, पर अभी थोड़ा सा खा पी लेंगे बिकॉज दिन में फिर मिले ना मिले, एंड देन कोशिश करेंगे कि डिपार्चर से पहले खा लें, क्योंकि नज़ारे इंपॉर्टेंट है और कुछ भी मिस नहीं करना चाहता मैं इस वीडियो में। तो अभी अपन आ चुके हैं लास्ट कोच में और लोको बहुत दूर, अगर आपको दिखाई दे मेरे कैमरा में इतना जूम होगा तो आपको दिख जाएगा, वो रहा लोको, ट्रेन से अटैच हो रहा है। और चलते हैं अंदर, ये वाला कोच काफ़ी साफ है, काफ़ी खाली है। इडली वड़ा भी ले लिया है, इडली वड़ा खाएंगे
प्रॉपर एक नाश्ता हो जाए फटाक से इससे पहले कि ट्रेन डिपार्ट करे। आप कभी भी आते हो तो आपको खाने के लिए यही मिलता है। 30 रुपये में मिलता है 2 इडली 2 वड़ा। और मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश यहाँ से काफ़ी पास है तो उसी का इन्फ्लुएंस है। उड़ीसा का तो कोई इडली वड़ा, यहाँ पे उड़ीसा में मोस्टली लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो इडली वड़ा खाते हैं। गुड टू सी दैट हाउ इंडियन रेलवेज इज फोकसिंग ऑन पैसेंजर सेफ्टी। इस साइड भी कैमरा लगा है एंड देन इस साइड भी एक कैमरा लगा है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कोच का जो एंट्रेंस है, एंट्री एग्जिट पूरा कवर्ड है। अरे अंकल हट जाओ। सो फाइनली रिवर्सल डन, नाश्ता डन, फ्रेश हो गए और अब डिपार्ट कर रहे कोरापुत से वापस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से हम आए थे। और यहाँ से आगे हम जाएंगे फिर से ईस्टर्न घाट्स के बहुत ही खूबसूरत रेंज में। ये मेरा फर्स्ट टाइम है उस प्रॉपर रूट पे इन भी। तो अभी अपन डिपार्ट कर चुके हैं कोरापुत को और हमारी जो लेफ्ट में रूट जा रहा है ये जाता है जयपुर और अभी हम कर्व कर रहे हैं टुवर्ड्स रायगढ़। एक बहुत ही शानदार सा शार्प सा कर्व लेके हम मुड़ चुके हैं रायगढ़ की तरफ और यहाँ से शुरुआत भी होती है। ऑब्वियसली यहाँ से तो नहीं होती है, थोड़ा आगे, बट यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे ईस्टर्न घाट्स की खूबसूरत माउंटेन रेंज में। जो हमने ट्रेन क्रॉस करी वो थी हीराखंड एक्सप्रेस जो कि टुवर्ड्स जगदलपुर जा रही थी और अभी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दामन जोड़ी। सो ये भी कुलाब रिजर्वायर का एक पार्ट है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, नेचुरल रिजर्वायर है बिकॉज चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है तो पानी ऑटोमेटिक यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो अभी हम लोग स्किप करने वाले दामन जोड़ी को और अपनी ट्रेन यहाँ पे दामन जोड़ी की तरफ बढ़ रही है। वैसे स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, मैंने सोचा था थोड़ा सा स्पीड इसकी होगा, अच्छा लूप लेना है तो दैट्स व्हाई मेन लाइन पे एक परेड खड़ी है, अदरवाइज स्पीड में स्किप किया होता। और बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि मेन लाइन खाली है फिर भी अपनी ट्रेन को लूप में लिया जा रहा है, अब रीज़न क्या है इसका पता नहीं। और सरप्राइजिंगली ट्रेन को दामन जोड़ी पर रोक दिया गया है इवन तो यहाँ पे स्किप था, रीज़न बीइंग मे बी रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए रोका गया हो बट नॉट श्योर। रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए रोका गया था, लोको पायलट बोर्ड वे कुछ ट्रेन में और उसके बाद दोबारा ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया और कुछ ही देर में चल जाओ। एक गार्ड सर ने भी हरी झंडी दिखा दी। बिकॉज ये रूट इतना आइसोलेटेड है कि इधर मतलब जो पैसेंजर ट्रेन हैं उन्हीं से जो हमारे लोको पायलट है या फिर अदर जो रेलवे वर्कर्स हैं वो लोग कम्यूट करते हैं अपने वर्क प्लेस पर। मैं दिखाऊंगा स्टेशन ऐसे पहाड़ों के बीच में एकदम स्टेशन फंसे हुए हैं तो कोई ऑप्शन नहीं उनके पास ऑब्वियसली और ट्रेन भी इतनी सारी हैं नहीं तो इसीलिए अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पर भी शेड्यूल हॉल्ट मतलब अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पर भी हॉल्ट दे दिया गया। और दामन जोड़ी से भी निकलने के बाद अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है इससे एक ही स्टेशन आगे फिर वहाँ से खूबसूरत घाट सेक्शन स्टार्ट होता है। और कोल ट्रेन का जो आगे लिंक था वैग सेवन लिंक्स थे और पीछे देखो विशाखापट्टनम के 2 WDG 4D इस ट्रेन को बैंक करने के लिए खड़े या फिर बैंक करके लाए और यहाँ पे डिटैच कर दिए गए हम। आपको जितने भी BTAP वैगन्स दिख रहे हैं इनमें सब में एलुमिना भरा हुआ है जो कि आगे कुछ दूर चलने पे आपको दिखाऊंगा मैं, नैलको का एक बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और हमारी ये जो पैरेलल हमारे राइट में जो रूट चल रहा है ये जाता है नैलको के प्लांट तक। ये है नैलको का प्लांट
देख सकते हो बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे, मेनली एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाई प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और नैल्को का मतलब होता है नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी या कुछ ऐसे ही सिमिलर। भाई साहब देखो टनल के अंदर अपन रुके हुए हैं, मतलब बहुत ही स्लो चल रहा है ट्रेन, इतना स्लो कि ऑलमोस्ट रुक जाए अब। नज़ारा देखो भाई, काफ़ी लंबी टनल है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी टनल है और हम बीच में है एकदम, तो भयानक लग रहा है भैया। देखो भैया वे एकदम मज़े फुल मूड में आ गया, सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं एकदम। सो ट्रेन अभी टनल में ही रुका हुआ है और मैं मतलब पीछे से आगे जा रहा हूँ। अब लेट्स सी, अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लाइक शॉट, क्योंकि मेरे को पता है आगे भी एक टनल है। और आ लोगो एंड जस्ट लोकेशन देखो बॉस, अपन कहाँ रुके हैं। ओए होए होए टू गोल, इससे उसी कोच में आगे जहाँ पे पहले बैठ रहे थे, बिकॉज यहाँ से व्यू जो था वो बहुत सही दिख रहा था। पता नहीं अभी ट्रेन बहुत देर से खड़ी है, बिकॉज सिंगल लाइन और मे भी कोई फ्रेट आ रही हो, तो इस वजह से जो अभी रूट है वो क्लियर नहीं है। तो हम लोग खड़े हैं, देखते हैं कब डिपार्ट होती है ट्रेन। कोई फेलियर तो नहीं है, बिकॉज स्टाफ से पूछा, नॉर्मल है सब कुछ। काफ़ी देर से खड़ी है ट्रेन, 15 मिनट से ऊपर हो गया। मैं आगे गया था फ़ोटो लेने, बट आगे भी एक टॉर टनल है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका वैसा फ़ोटो का, इसलिए मैं वापस आ गया। तो फाइनली काफ़ी देर के हॉल्ट के बाद हमने ट्रेन फिर से निकल पड़ी है, और अभी जो वाटर फ्लो जो था, जो मैंने ऑनबोर्ड ऑफ बोर्ड दिखाया था, अब मैं वो ऑनबोर्ड होके दिखाता हूँ। भाई साहब मतलब क्या सही जगह पे रुकी थी, और जो स्लीपर क्लोरा अच्छा हुआ मैं आगे चला गया, एटलीस्ट मुझे देखने को मिला। और ये रहा वो वाटर फ्लो, है ना बवाल जगह।
सो हम उस साइड थे वहाँ पे, और पूरा हमने एक लंबा सा कर्व लिया ऐसे पूरे ये पहाड़ के नीचे से अंदर से होते हुए एक लंबा सा कर्व लिया, और अभी हम किसी तो स्टेशन पहुँच रहे हैं। नाम बता दो स्टेशन का क्या है। वो ट्रेन थी जिसकी वजह से हमारी ट्रेन इतनी देर से रुकी हुई थी, टाटा के वैग नाइन के साथ, वैग नाइन ट्विन्स के साथ एक कोल फ्रेट है। तो अभी तक हमें रायगढ़ होना चाहिए था, 11 बज रहे हैं अभी दोपहर के, सुबह के या दोपहर के जो भी बोलो, अभी तक हमें रायगढ़ होना चाहिए था, बट हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है, अप्रॉक्स 1.5 घंटे लेट है। अभी हम हैं रौली में, और यहाँ से रायगढ़ अप्रॉक्स 78 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी भी ट्रेन रुकी हुई है, अभी नॉट श्योर अब क्यों रुकी हुई है, बिकॉज गुड्स आके लूप में लग चुकी हैं, आगे की लाइन ऑब्वियसली क्लियर होगी, देखते हैं क्या होता है। ट्रेन अपनी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं क्या हुआ इसको कब से रोक के रखा है, अभी टनल पे रुकी हुई थी उसके बाद यहाँ पे आके रुक गई, पता नहीं क्या सीन है। और नज़ारा बल्कि बहुत खूबसूरत है भाई साहब, ये पूरा वैली, वो देखो ट्रैक्स भी दिख रहे होंगे, क्या गए ट्रैक्स, वो रहे ट्रैक्स, शानदार खूबसूरत नज़ारा है पूरी वैली का। तो गार्ड साहब से बात हुई, गार्ड साहब बोले कि सिग्नल में कुछ इशू है, तो अभी देख लो लाइन से खड़ी है सारी ट्रेन्स। ओके सिग्नल हो गया, भागते हैं, सिग्नल हो गया, भागते हैं। अभी हॉर्न किसी का है क्या पता नहीं, ओके इसी का सिग्नल था, मेरे को पता है मतलब सेफ डिस्टेंस पे था, ट्रेन अगर खुल भी जाती तब भी चढ़ जाता, या तो ये ट्रेन चल लेती या तो रुक जाती भाई, मतलब क्या चल रहा है। वहाँ पे खड़ी थी वो पीछे एम जो सिग्नल बना है, मतलब सिग्नल का साइन बना है वो रहा, वहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे आके फिर से खड़ी हो गई, क्या फ़ायदा हुआ, हद है। वो रहा देखो, पता नहीं क्या करना चाह रहे ये लोग, अपने को तो अब लोगों भी दिख रहे हैं राउली। अभी मैं थोड़ा सोने का सोच ही रहा था, सोचा कि थोड़ा सो लेते हैं, ट्रेन तो चल नहीं रही है, अभी 11:32 हो रहे हैं, तो जैसे ही सोया सोचा कि सोते हैं, और थोड़ा सा हाथ छपका भाई ट्रेन चल पड़ी है, चलो भाई कैसे भी चली चली एटलीस्ट। तो ये डिपार्ट कर रही है अपनी ट्रेन रौली से, एंड होप अब थोड़ा सा अच्छा रन मिला, और रौली के बाद का जो सेक्शन है पूरा का पूरा घाट सेक्शन है, और वो भी मतलब भयंकर वाला घाट सेक्शन है, तो मतलब अच्छा रन मिलेगा तो मज़ा आएगा। और रौली से निकलते ही फिर से एंटर कर रहे हैं अपन दूसरे टनल पे, thank you।
दोली डिपार्ट कर रहा है अपना भालू मस्का को, मस्त मस्का लगाया होगा किसी ने भालू को, तो स्टेशन का नाम भालू मस्का रख दिया। ये रहा स्टेशन का बोर्ड। अरे मेन लाइन पे ये लोग फ्रेट खड़ा कर देते हैं और लूप लाइन से एक्सप्रेस को निकालते हैं, क्या फ़ायदा बताओ। ऑलरेडी ट्रेन अपना एक से डेढ़ घंटा के ऊपर लेट चल रहा है। तब हम घाट एग्जिट कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स, और अभी हम बढ़ रहे हैं रायगढ़ की तरफ, उससे पहले आएगा सिंगापुर, तो सिंगापुर से रायगढ़। और ये जो हमारे सामने से रूट आ रहा है ये आ रहा है तितलागढ़। ये हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स सिंगापुर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगापुर, और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो मेन लाइन को ज्वाइन करी है तितलागढ़ विजयनगरम, और फिर यहाँ से जो अगला स्टॉप है हमारा वो है रायगढ़। और खूबसूरत नज़ारों के बीच अभी हम स्किप करने वाले हैं सिंगापुर रोड जंक्शन को, और यहाँ से फटाक से अपनी ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी रायगढ़ की तरफ। तो घाट्स के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी एकदम अभी पैनल पैनल चल रहे हैं, और ये देख लो भाई साहब जंगल में आग लग चुकी है। थर्ड लाइन का काम भी चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। तो अभी हम रायगढ़ पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट एंटर कर रहे हैं, और एक फ्रेट जो है एलुमिना के साथ पीटीएपी वैगन्स के साथ निकल रही है टुवर्ड्स सामन जोड़ी है। हम अभी एंटर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। सो फाइनली अपन आ चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी टाइम हो रहा है 1:02, तो ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे के देरी से आया है यहाँ पे, और यहाँ से आगे का प्लान एक्सप्लोर करना है, बट ये जो जर्नी ब्लॉग है यहीं पे एंड होगा, और बाकी जो ट्रेन स्पॉटिंग वाला टाइप ब्लॉग है वो एक और वीडियो में आएगा, वो भी चेक करना नहीं भूलना, मैं अपलोड करूँगा इसी वीडियो के आसपास कहीं। स्टेशन के बाहर मेरा दोस्त संतोष वेट कर रहा होगा मेरा, और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ खा पी कर निकलेंगे थोड़ा सैर सपाटे पर। अपन चलते हैं बाहर सीधे अब यहाँ से, और देखते हैं क्या करना है आगे। बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मेरे को, पूरा मतलब घाट से एकदम घिरा हुआ है। ये समलेश्वरी का लोक है, अभी रिवर्स होने जा रहा है, अपन जा रहे हैं आगे।